जिला शिक्षण भवन वडोदरा में आज दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हुआ। जिला शिक्षण भवन वडोदरा में दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ, जिसमें छोटा उदयपुर और वडोदरा जिला के शिक्षकों के द्वारा बेहतरीन पेशकश पेश की गई थी। हम बात करें छोटा उदयपुर के शिक्षकों की, तो यहां पर देशभक्ति के गानों पर उनके द्वारा परंपरागत आदिवासी लोक नृत्य पेश किए गए और साथ ही दिकरी वाहलनो दरियो जैसे नाम पर एक नाटक भी पेश किया गया। वडोदरा शहर के शिक्षकों की बात करें तो उनके द्वारा पंचमहाल और छोटा उदयपुर के लोगों की रहनी सहनी और उनके कपड़ों पर एक प्रदर्शन रखा गया था और साथ ही गुजरातियों की एक पहचान जिसे हम गरबा कहते हैं उसे भी बेहतरीन रूप से पेश किया गया और फिर राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। वडोदरा जिला पंचायत आयोजित कल्चरल फेस त्रण प्रोग्राम में त्रण फेज में प्रोग्राम थयो। पहला दिवसे स्क्रिप्ट राइटिंग मटेरियल निर्माण हतो, बीजा फेज में पपेट शो हतो, मटेरियल निर्माण एमां पण हतो अने आजना त्रीजा फेज में अमारे स्टेज शो कल्चरल प्रोग्राम ना स्टेज शो सांस्कृतिक उत्सवों नी अंदर भाग लीधो अने एनी अंदर जुदी जुदी लोकगीत लोकवार्ताओ आदिवासी नृत्य टीमली गरबा लग्न गीत एवं अलग अलग प्रोग्रामों हता। એમાં અમે હેલારો એ નામનું અમે લોકોએ લોકગીત રજૂ કર્યું અને અમે આવા કાર્યક્રમોની રાહ જોઈ અને આના અમે શાળામાં તો બાળકોને કરાવીએ જ છે, પણ આજે એઝ અ ટીચર અમે જે અહીંયા શીખ્યા છે એનાથી અમારી શાળામાં જઈને અમારા બાળકોને પણ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે આનાથી પ્રોત્સાહિત કરીશું અને તેમને પણ શીખવીશું અને આ જ રીતે કાર્યક્રમ થતા રહે એવી અમારી ઈચ્છા। શું નામ છે બેન તમારું? મારું નામ પ્રિયતમાબેન મયુરસિંહ રાહુલજી, હું મેથી પ્રાથમિક શાળા કરજણ તાલુકાના મેથી પ્રાથમિક શાળામાંથી આવું છું। અને તમારા આ ગ્રુપની અંદર જે અમે ગુજરાતી કલ્ચરનો જે ડાન્સ નૃત્ય કર્યું એમાં કેટલા બહેનો અને કેટલા ભાઈઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા? આમાં અમે છ બહેનોએ ભાગ લીધો અને છ બહેનોએ રજૂ કર્યું હેલારો। बड़ौदा में डायट जो है वहाँ यहाँ पे हमेशा इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम और प्री सर्विस टीचिंग प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे बीएड के स्टूडेंट भी हैं और दोनों जिले से अलग अलग कला से जो जुड़े हुए हैं टीचर्स, सभी शिक्षकों को चुनिंदा शिक्षकों को बुलाया गया है जिनको कला का ज़्यादा वो हो कि कुछ कर सके, परफॉर्म कर सके, इसके लिए अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए दो दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे पहले से भी वो जुड़े हुए हैं, चार पाँच साल से लगभग हम कला के क्षेत्र में ही जो सांस्कृतिक वारसा का जतन के लिए उसको उसकी संरक्षण के लिए अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं कि किस तरह से बच्चों को भी एग्जीबिशन के द्वारा भी या टीचर्स को एग्जीबिशन के द्वारा भी कला के बारे में संस्कृति के बारे में उनको ज्ञान दिया जाए, उनको जागृत किया जाए, इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। दो दिन अभी यहाँ पे गरबा है, लोक नृत्य है, नाटक है, एक पात्री अभिनय, पूरा अभी राष्ट्रीय प्रोग्राम भी हुआ, बीएड के स्टूडेंट और कुछ टीचर्स मिलके दो दिन से अपने लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। बच्चों को तो सिखाते हैं, बच्चे तो परफॉर्म करते ही हैं हमेशा, राष्ट्रीय लेवल से और राज्य से भी होता है, लेकिन जिले में टीचर्स कुछ अपना करना चाहते हैं और उनको एक स्टेज दिया गया है कि खुद को भी बता सके, वो खुद भी खुश रह सके, इसके लिए प्रोग्राम खास कर रखा गया है। क्या नाम है आपका मैडम जी? डॉक्टर नीलम पांडे। और इस प्रोग्राम के अंदर कितने टीचर आए हुए हैं? जी यहाँ पे 80 से 90 तक के टीचर हैं सब। एक प्रोग्राम कहाँ पे रखा गया है अभी? अभी ये डायट में जिला शिक्षण तालीम भवन में ही रखा गया है और 2017 में भी रखा गया था, अभी इस साल फिर से दो दिन के लिए 27 और 28 जनवरी को प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। नमस्कार, हूँ कल्पना उनडकर, प्रिंसिपल डायट वडोदरा। जिला शिक्षण और तालीम भवन वडोदरा द्वारा વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાતા હોય છે, એના ભાગરૂપે છેલ્લા બે દિવસથી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે। કોઈ પણ શિક્ષક હોય એ શિક્ષકે પહેલાં તો કલાકાર છે, કારણ કે શિક્ષણ માટે કલા એ સૌથી ઉત્તમ માધ્યમ છે। બાળગીત હોય, કથા હોય, વાર્તા હોય, લોકગીત હોય, નૃત્ય નાટિકા હોય, ગરબો હોય, એના એવા વિવિધ માધ્યમો દ્વારા શિક્ષણનું કાર્ય ખરેખર ખૂબ સારી રીતે થતું હોય છે। એ હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને અમે બે દિવસનો આ કાર્યક્રમ છોટાઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લાના શિક્ષકો માટે રાખ્યો છે, જેમાં ગરબો, લોકનૃત્ય, લોકવાર્તા,
વગેરે જેવા કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા છે. શિક્ષકોને આવા કાર્યક્રમોથી પરિચિત કરવાનો હેતુ એટલો જ છે કે શિક્ષકો પણ એમની શાળાઓમાં આવા કાર્યક્રમ આયોજિત કરતા થાય અને બાળકોને સારામાં સારી ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ પૂરું પાડે. મેડમ, આ બે વડોદરા અને છોટાઉદેપુરના જિલ્લાની અંદર અંદાજે કેટલા શિક્ષકો અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત રહ્યા છે એની માટે? વડોદરા અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ભેગા થઈને 80 શિક્ષકોને બોલાવ્યા છે અમે.